हेलो दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्या आप भी बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप भी जो है बिजनेस करने के लिए पेस्टिसाइड का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, यानी कि क्या आप भी कीटनाशक का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं? तो कीटनाशक के लाइसेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पर क्या क्या आपको प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, इसके साथ में कितना खर्च आता है यहाँ पर पेस्टिसाइड का लाइसेंस बनवाने में, ये डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों पिछली वीडियो हमने एक बनाई थी जहां पर हमने आपको बताया था कि बीज का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, बीज के लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो पर बहुत सारी कमेंट्स आई थी कि सर हमें ये बताइए कि पेस्टिसाइड का हम लाइसेंस कैसे बना सकते हैं और पेस्टिसाइड के लाइसेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो हमने सोचा इस पर भी आज हम एक वीडियो बना के आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि पेस्टिसाइड का अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं और कौन कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करने होते हैं, तब जाकर आपका यहाँ पर पेस्टिसाइड का लाइसेंस बन पाता है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं और जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेस्टिसाइड के लाइसेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसके बाद में बात हम करेंगे कैसे अप्लाई आप कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर ऑफलाइन आपको अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पेस्टिसाइड का अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होते हैं। दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लैब से बनवा लेने हैं। उसके बाद में आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड चाहिए होता है, आधार कार्ड की एक कॉपी आपको देनी होती है और यहाँ पर आपको पैन कार्ड देना होता है। पैन कार्ड देने के बाद में आपको यहाँ पर एक अथॉरिटी लेटर बनता है। अब अथॉरिटी लेटर की अगर हम बात करते हैं और अथॉरिटी लेटर आपको कहाँ से प्राप्त होता है, तो अथॉरिटी लेटर जो होता है जो आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं होलसेल जो विक्रेता होते हैं, उनसे आपको अथॉरिटी लेटर मिल जाता है, बढ़िया आराम से मिल जाता है। क्योंकि अथॉरिटी लेटर इसलिए आपको बड़ी आराम से वो लोग दे देते हैं क्योंकि वहाँ पर अगर आप उनसे अथॉरिटी लेटर लेते हैं तो उनसे ही आपको जो पेस्टिसाइड जैसे दवा की सामग्री वगैरह वो आप उनसे ही लेंगे, तो इसलिए बड़ी ही आराम से वहां पर आपको अथॉरिटी लेटर मिल जाएगा। और आपको पेस्टिसाइड लाइसेंस बनवाने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो जीएसटी होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक एफिडेविट आपको देना होता है, जो एफिडेविट आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनवाना होता है। कचहरी में जाएंगे, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आप एफिडेविट बनवाएंगे। उसके साथ में अगर आप दुकान आपकी है, स्वयं की है, तो आपको जो है एग्रीमेंट देना होता है, लेकिन तब आपको एग्रीमेंट नहीं देना होता जब दुकान आपकी स्वयं की आपके पिता की, तो स्वामित्व प्रमाण पत्र आपको देना होता है। या फिर आप अगर दुकान किराए से ले रहे हैं तब जाकर आपको एक एग्रीमेंट देना होता है जो 10 रुपये का स्टैम्प पेपर पर बनता है, किरायनामा जिससे बोलते हैं। तो दोस्तों ये एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, स्नातक की मार्कशीट आपको ज़रूरी है, आपके पास होनी चाहिए, स्नातक की मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए होता है, वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर या साइंस का हो, आपको डिप्लोमा की भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। दोस्तों जो भी पेस्टिसाइड में डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने डिटेल में आपको बता दिया, इससे चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ चाहिए होती है और किस प्रकार से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, अगर आप पेस्टिसाइड का लाइसेंस बनवाना ही चाहते हैं तो आपके पास जीएसटी, सबसे पहले आप जीएसटी कंप्लीट करवा लीजिए। जब आपकी जीएसटी अप्लाई हो जाएगी और जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑफिस जाना होता है। ऑफिस जाने के बाद में कुछ यही डिटेल आपको देंगे, वो डिटेल आपको नोट करवा लेनी है और डिटेल नोट करने के बाद में फिर आपको शपथ पत्र कंप्लीट करवाने हैं, अथॉरिटी लेटर कंप्लीट करवाना है और क्वालिफिकेशन के लिए स्नातक की मार्कशीट आपके पास तो होगी, इसके बाद में डिप्लोमा भी आपके पास होगा और आपको डिस्ट्रीब्यूटर से अथॉरिटी लेटर लेना होगा। अथॉरिटी लेटर जब ये सारे आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको डायरेक्ट लाइसेंस अप्लाई करवाना होता है। लाइसेंस आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस में दे सकते हैं, वहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद में अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले agriculture.in से हो जाती थी अप्लाई, लेकिन अब वहाँ पर जाते हैं तो इनडायरेक्ट हो जाता है। आपको इस पोर्टल पर, निवेश मित्रा पोर्टल पर, आपको इनडायरेक्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ में ऑनलाइन आप जो है आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमने आपको पेस्टिसाइड लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट की जो जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमने आपको बता दिया है। इसके बाद में जो भी अप्लाई करने का प्रोसेस होता है, अप्लाई करने का भी प्रोसेस हमने आपको डिटेल में बता दिया है। और अब यहाँ पर बात आती है कि आप जब लाइसेंस लेना ही चाहते हैं पेस्टिसाइड का, तो यहाँ पर आपको खर्चा कितना देना होता है। तो अगर दोस्तों खर्चे की बात करते हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर खर्चा आपको देखने को पड़ता है। मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 15 से 20 हज़ार या 20 से 25 हज़ार रुपये तक खर्चा इस लाइसेंस में आ जाता है। तब जाकर एक अच्छा खासा आप बिजनेस कर सकते हैं और इस बिजनेस को करके अच्छे खासे आप पैसे भी कमा सकते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने बीज लाइसेंस की वीडियो नहीं देखी है, अगर वो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से आपको बताया कि बीज लाइसेंस कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती है वो भी सारा कुछ हमने यहाँ पर डिटेल में आपको बता दिया। तो वो चाहे तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और वीडियो के एंड में भी वीडियो मिल जाएगी, आप वाली वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको ये तो बता दिया कि पेस्टिसाइड का लाइसेंस आप अपने नाम पर ले सकते हैं। यदि अगर आपके पास डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट नहीं तब आप क्या करेंगे, तब भी आप दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बचती है कि आप अपने नाम पर लाइसेंस तो ले सकते हैं, लेकिन किसी तीसरे बंदे के पास अगर उसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो उसके नाम पर एक आपको जो डिग्री धारक का घोषणा पत्र बनाया जाता है वो भी 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनता है। अगर वो आप बनवा लेते हैं तो उसके नाम पर डिग्री हो जाती है और आपके नाम पर लाइसेंस हो जाता है। लेकिन जिसके पास डिग्री है उसके पास उसकी बात जरूरी है कि वो सहमति हो जाए कि भैया हाँ हम अपनी डिग्री लगा देंगे, आप अपने नाम पर लाइसेंस ले लो, ये चीज़ हो जाती है। तो पहले आपको उससे बात कर लेनी है। अगर आपके पास डिग्री है तो सबसे बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने नाम पर ही लाइसेंस ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों की वीडियो में आपको जानकारी सही लगी होगी और जो भी हमने आपको पेस्टिसाइड लाइसेंस के प्रोसेस के बारे में आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सारे दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।